उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करूंगी कि हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर और जिन किसान भाइयों बहनों के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया उसी की एक स्मृति किसान भाई को उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत अच्छा आरती जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि देखिए किसानों को, ये देखिए मोदी जी को किसान भेंट कर रहे हैं, एक किसान का पुतला है, क्योंकि आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों और बहनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा दिया जा रहा। और आप लोग लाइव देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे नए कृषि मंत्री देखिए शिवराज जी भी हैं, और आज पीएम मोदी जी को भाई देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का पैसा जारी करने का सभी लोग अनुरोध कर रहे हैं। इसी के साथ किसान भाई भी जुड़े हुए हैं, आप लोग लाइव देख रहे हैं। अब देखिए हमारे मुख्यमंत्री गण भी सम्मोहित कर चुके हैं। अब देखिए इसी के साथ भाई जेपी नड्डा भी यहीं मौजूद हैं, साथ ही साथ सभी मंत्रीगण मौजूद हैं। यहाँ देखिए कृषि मंत्री और सभी लाल यानी कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और किसान भाई बहन भी मौजूद हैं, क्योंकि इस बार 18वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपये जा रहा है, यानी कि पीएम मोदी के कर कमलों के द्वारा ये पैसा जाएगा। पहले तो देखिए सभी मोदी जी को भेंट दे रहे हैं कि भाई बहुत बहुत बधाई हो, यानी कि पैसा जारी करने से पहले कुछ इस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया जाता है, और हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हर बार ये पैसा मिलता है। यहाँ देखिए किसान से ज़्यादा यानी कि महिला किसान दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि महिलाओं को भी अब पैसा मिलना शुरू हो गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, इसीलिए 4,000 रुपये की ये 18वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने अभी अभी बड़ा खुलासा कर दिए। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए अब ये आ चुके हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसा जारी भी हो चुका है 18वीं किस्त का। अपूर्ण रूप से भाई जो मंत्री जी हैं हमारे वो साफ साफ बताएंगे कि पैसा कितना गया 18वीं किस्त का, और इसकी पिछली किस्त जो 17वीं किस्त का पैसा जारी हुआ था या फिर 16वीं किस्त का पैसा जारी हुआ था। दीपेंद्र पटेल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पहले तो देखिए सभी मंत्रियों का नाम लेंगे और सभी का नाम लेकर भाई उनका बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, उसके बाद फिर पैसे की बात करेंगे। अभी देखिए मनसुख मंडाविया जी भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं, ठीक है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का वितरण भी चल रहा है, तो अभी अभी देख लीजिए पूर्ण रूप से ये पैसा जाएगा। चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्मानित मंत्री, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ठोस कदम उठाए और जिसके माध्यम से देश के 10.5 करोड़ किसानों को अब तक 3,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनको दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पिछले वर्षों में जय हिंद किसान साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि देखिए इस समय 18वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। अब देखिए हम दो किसानों के साथ आ चुके हैं, एक राम सुलेमन और देखिए रामलाल किसान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब देखिए आप लोगों को मैं लाइव दिखा देता हूँ कि इन लोगों का पैसा मिल रहा है, ठीक है, अभी अभी हाल में जारी हुआ। चलिए हम देखिए राम सुलेमन से बात कर रहे हैं। राम सुलेमन जी बताइए आपको पैसा कितना मिला आज? पैसा 4,000 मिला। 4,000 यानी कि 18वीं किस्त का पैसा मिल गया। हाँ, 4,000 रुपये। पहले कितना मिलता था? पहले 2,000, यानी कि 2,000 रुपये करके 4 महीने में यानी कि एक किस्त मिलती थी, उसके बाद इसी प्रकार 4 महीने में फिर दूसरी किस्त, यानी कुल मिलाकर 6,000 रुपये मिलता था। अब आप लोगों को 4,000 रुपये मिलने लगा, यानी कि आप लोग खुश हैं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब अब कुल मिलाकर 12,000 रुपये मिलेगा, दोगुनी मिल चुकी है। अब देखिए रामलाल से बात करते हैं, रामलाल जी आपको कितना मिला? 4,000 मिला। 4,000 तेज बोलिए, बताइए। 4,000 हमको मिला है। 4,000 रुपये, चलिए अब ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अब बात कर लें कि देखिए पहले 6,000 रुपये मिलता था, यानी कि 2,000 रुपये करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना इनकम जो होती थी मिलती थी, लेकिन अभी जो है हाल ही में इसकी रकम जो है बढ़ा दी गई है, अब टोटल जो रकम है मिल रही है 12,000 रुपये, यानी कि डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग संतुष्ट हैं कि आपको मिल रहा है इतना पैसा? हाँ, चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे 16वीं किस्त तक 2,76,00,000 किसानों को 59,661 करोड़ रुपए उनको प्राप्त हुए हैं, और
और 17वीं किस्त आज। देखिए 17वीं किस्त का भी पैसा जारी किया गया था। तो जय हिंद किसान साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि देखिए इस समय 18वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। अब देखिए हम दो किसानों के साथ आ चुके हैं, एक राम सुलेमन और देखिए रामलाल किसान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब देखिए आप लोगों को मैं लाइव दिखा देता हूँ कि इन लोगों का पैसा मिल रहा है, ठीक है, अभी अभी हाल में जारी हुआ। चलिए हम देखिए राम सुलेमन से बात कर रहे हैं। राम सुलेमन जी बताइए आपको पैसा कितना मिला आज? पैसा 4000। 4000 यानी कि 18वीं किस्त का पैसा मिल गया। हाँ 4000 रुपये, पहले कितना मिलता था? पहले 2000 मिलता, यानी कि 2000 रुपये करके 4 महीने में यानी कि एक किस्त मिलती थी, उसके बाद इसी प्रकार 4 महीने में फिर दूसरी किस्त, यानी कुल मिलाकर 6000 रुपये मिलता था। हाँ अब आप लोगों को 4000 रुपये मिलने लगा, यानी कि आप लोग खुश हैं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ मतलब अब कुल मिलाकर 12000 रुपये मिलेगा, दोगुनी मिल चुकी है। अब देखिए रामलाल से बात करते हैं, रामलाल जी आपको कितना मिला? 4000 मिला। 4000 तेज बोलिए बताइए। 4000 हमको मिला है। 4000 रुपये, चलिए अब ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर अब बात कर रहे हैं कि देखिए पहले 6000 रुपये मिलता था, यानी कि 2000 रुपये करके 3 किस्तों में 6000 रुपये सालाना इनकम जो होती थी मिलती थी, लेकिन अभी जो है हाल ही में इसकी रकम जो है बढ़ा दी गई है। अब टोटल जो रकम है मिल रही है 12000 रुपये, यानी कि डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग संतुष्ट हैं कि आपको मिल रहा है इतना पैसा? चलिए आ गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। अब जाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा, खाते में कब आएगी योजना की 18वीं किस्त। साथ ही साथ आपको बता दें 18वीं किस्त आने से पहले करा लें एक काम, वरना आप लोगों को किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ प्यारे किसान साथियों, अगर आप लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे तो आ चुका है अपडेट, आप लोग लाइव देख सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा अपडेट आया, मैं आपको बता दूं, देखिए सभी किसान साथी चाहते हैं कि हमें 18वीं किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के मिल जाए, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त पर ये बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो 18वीं किस्त आने से पहले कराना होगा एक काम, वरना चूक जाएंगे। जी हाँ प्यारे किसान साथियों, देखिए आप लोगों को पता है कि लगातार मोदी सरकार किसानों पर मेहरबान है, तो अगर आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं बदला तो भाई बदल लीजिए, वरना आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड के जरिए भाई अपना EKYC करा सकते हैं और मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं। 2024 की ये 18वीं किस्त है, पहले तो आप लोगों को देखिए 17वीं किस्त का पैसा दिया गया था, उसके बाद अब 18वीं किस्त का आएगा पैसा। ठीक है, आप लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूँ सब कुछ निकाल कर, आप लोग देख लीजिए। वन इंडिया हिंदी की तरफ से भी ये जानकारी दी गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा अपडेट, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा अब जारी किया जाएगा। और आप लोग लाइव देख रहे हैं कि भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त पर नया बड़ा अपडेट आ गया है, आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर बदला लेना है वरना पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि 18वीं किस्त से पहले ये काम अगर नहीं कराओगे तो प्यारे किसान साथियों आप लोग भी 18वीं किस्त से चूक जाओगे, क्योंकि लगभग सभी किसान भाइयों ने ये काम करवा लिया, यानी कि अपना अपना मोबाइल नंबर बदला लिया है। देखिए आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर आ जाना है। जो ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ EKYC का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से EKYC कर लेना है। और साथ ही साथ प्यारे किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ से आप लोगों को अपना आधार नंबर डायल करना है और आपका OTP बेस्ड EKYC हो जाएगा। ठीक है, इतना काम कर लेते हो तो देखिए इसी के साथ मोबाइल नंबर करें अपडेट पीएम किसान पोर्टल पर pmkisan.gov.in पर जाकर, जो वेबसाइट में यहाँ आप लोगों को दिखा दिया हूँ, इसी वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपना भाई कन्फर्म कर लें मोबाइल नंबर, यानी कि अपडेट कर लें। फार्मर कॉर्नर में ही KYC न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर CSC फार्मर्स यानी कि अपडेशन ऑफ करक रजिस्ट्रेशन फार्मर्स नो योर स्टेटस के बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है, और ये सब कुछ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालकर सर्च बटन पर क्लिक करना है, ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कंसेंट को चेक करें और गेट आधार OTP पर क्लिक कर दें, मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे बॉक्स में सबमिट कर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना होगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपकी डिटेल्स आपके सामने होगी और बॉक्स में नया मोबाइल नंबर डालें और फिर गेट OTP पर क्लिक करना होगा,
उसके बाद आप लोगों की जो प्रक्रिया है मोबाइल नंबर अपडेट की वो कंप्लीट पूर्ण रूप से हो जाएगी और आप लोगों को सफलतापूर्वक 18वीं किस्त का पैसा दे दिया जाएगा। पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट करें अपना मोबाइल नंबर और भाई पाएं 18वीं किस्त का लाभ। देखिए मोदी जी फिर से एक बार लाइव आ चुके हैं और आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा देने जा रहे हैं। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं प्यारे किसान साथियों, अगर आप लोग भी 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं जी, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में लाइव संवाद मोदी जी का भाषण भी सुना देता हूँ। सबसे पहले आप लोग भाषण सुनिए। देखिए 6000 रुपये सीधे आपके खाते में ट्रांसफर करेगी। देखिए साफ साफ मोदी जी ने कह दिया कि जो 6000 रुपए आप लोगों को सीधे सीधे बैंक खाते में जाएगी वो केवल मोदी सरकार ही कर सकती है। किसानों की एक बार भीड़ आप लोग देख लीजिए भाई, कुर्सियां नहीं मिल रही, इतने ज्यादा किसान सम्मिलित हैं। ठीक है, 2000 रुपए की, देखिए 2000 रुपए की किस्त जो है अनेक किसानों के खाते में जमा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के, क्योंकि देखिए मोदी जी ने साफ साफ कह दिए कि आज जो है 18वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए हमने फिर से ट्रांसफर कर दिए हैं। प्यारे किसान साथियों, अगर आप लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ है और क्यों ना रहे भाई, क्योंकि 2000 रुपए करके आज 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जो है ट्रांसफर कर दी गई है। ठीक है, लाइव संवाद सुनिए। देखिए पहली किस्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। देखिए महिला किसान पुरुष किसान दोनों सम्मिलित हैं और उन्होंने साफ साफ कहा मोदी जी ने कि भाई जो आज हमने 2000 रुपए की 18वीं किस्त की पहली किस्त जारी की, क्योंकि इस बार 4000 रुपए मिलने वाला था लेकिन हम 2000 रुपए बाद में देंगे और 2000 रुपए की जो पहली किस्त जारी हुई उसमें से किसानों को भाई कुछ हफ्तों में 2000 रुपए मिल जाएंगे और आने वाले समय में 2000 रुपए करके पूर्ण रूप से कुछ ही हफ्तों में 18वीं किस्त का पैसा पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा। धन्यवाद।